नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया, आपका श्रीमती मौली देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने हमारे पिछले वीडियो में ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप और ग्रुप के बारे में बात की थी। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपने अबेलियन ग्रुप के बारे में बात करेंगे, यानी अबेली ग्रुप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले जब हमने पीछे बात की थी तो हमने ये देखा था कि सेमी ग्रुप, मोनोइड, इन सभी में आपके पास क्या था कि आपको सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी लगानी थी, एक बाइनरी ऑपरेशन लेना था और क्लोजर प्रॉपर्टी लगानी थी, उसके बाद में आपको एसोसिएटिव लॉ लगाना था, आगे बढ़ते हुए फिर आपको उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस करवानी थी, उसके बाद में फिर आपने इन्वर्स निकाला था। इसके साथ साथ में अब अबेलियन ग्रुप में या नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आएगी जो ये फॉलो करेगा और ये आगे जा करके अबेलियन ग्रुप बनेगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जहाँ से हमारा टेस्ट शुरू होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी सबसे पहले आपके कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो ग्रुपॉइड हो, चाहे वो सेमी ग्रुप हो, चाहे वो मोनोइड हो, या फिर आपके खुद ग्रुप हो या अबेलियन ग्रुप हो, सबसे पहले जो उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है वो होती है संवृत, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले उसको क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है, उसके बाद में उसको एसोसिएटिव लॉ फॉलो करना होता है, यानी साहचर्य होना चाहिए। उसके बाद में वो कैसा होना चाहिए, साहचर्य होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में उसमें तत्सम का अस्तित्व होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, इन पांच चीजों को अगर वो फॉलो करता है तो वो कैसा
इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, रेशियो नंबर होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं, उनमें से आप किसी पर भी इसको लगा करके ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूर्णांकों के लिए बात करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया, मेरे पास एक जेड, मैं प्लस के लिए बात करती हूँ। मैं पहला जो बाइनरी ऑपरेशन लगा रही हूँ प्लस, मैं जेड प्लस के लिए बात करती हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लिखी है, वो आपको मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में समझाई थी कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती है। तो मैं यहाँ जेड प्लस के लिए बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले अपने पांच प्रॉपर्टीज को चेक करना होगा। अगर वो ये फॉलो करता है तब तो ये अबेलियन ग्रुप होता है, और अगर ये फॉलो नहीं करता है तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं जेड लेती हूँ। जेड में आपके पास कैसा सेट बनता है, जेड में आपके पास सेट बनेगा 0, 1, 2 एंड सो -1, -2 एंड सो इस प्रकार का आपके पास एक सेट बनेगा। तो जेड के लिए सेट है। अब सबसे पहले मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी लगानी है। क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं सबसे पहले जेड के कोई दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ और उनमें प्लस ऑपरेट करवाती हूँ। अगर उनका रिजल्ट इस जेड में एग्जिस्ट करता है तब तो क्लोजर होगा, और नहीं करता तो क्लोजर नहीं होगा। मैं कोई से भी दो एलिमेंट ले सकती हूँ। चलिए मैंने माइनस का 2 लिया और प्लस का 1 लिया। तो सबसे पहले मैंने इस क्लोजर लगाने के लिए दो एलिमेंट्स लिए, एक तो लिया माइनस का 2 और एक लिया 1। ये दोनों किसके एलिमेंट हैं, इस जेड के एलिमेंट हैं, ठीक है। इनमें मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई। क्लोजर प्रॉपर्टी ये थी, मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, प्लस है, तो माइनस का 2 + 1 कितना आएगा, माइनस का 1। क्या आपका माइनस का 1 सेट में आता है, जी बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या होगा, आपके लिए पहली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी ये कैसा है, क्लोज्ड है, समृद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, यानी सहचर्यता की। सहचर्य में हमने रूल पढ़ा था a*b*c=a*b*c, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, ए बी और सी, तीन एलिमेंट्स चाहिए। तो तीन एलिमेंट्स उठा लीजिए कोई से भी आप जेड में से। तो मैं ले लेती हूँ, एक तो ले लेती हूँ माइनस का 2, एक ले लेती हूँ माइनस का 1, एक ले लेती हूँ 0। आप चाहे तो पॉजिटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0, इन सबको कंबाइन करके ले सकते हैं, जो आपका मन हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये तीन एलिमेंट्स लिए जो कि मेरे किसके हैं, जेड के हैं। अब मैं यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, सबसे पहले ए लिया, मैंने लिखा माइनस का 2। मुझे ऑपरेशन कौन सा लगाना है, प्लस लगाना है, तो मैं यहाँ पर स्टार की जगह क्या ऑपरेट करूँगी, प्लस। फिर मुझे बी लिखना है, तो बी की जगह मेरे पास है माइनस का 1, तो ये मैंने माइनस का 1 लिया। ऑपरेशन कौन सा लगाना है, प्लस लगाना है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, प्लस। ये सी लिया, सी में मेरे पास कितना है, 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। आगे बढ़े तो यहाँ पर आपके पास है ए, ए मतलब माइनस का 2, ऑपरेशन आपके पास प्लस है, बी, बी मतलब माइनस का 1, फिर ऑपरेशन आपके पास प्लस है, और सी मतलब कितना हो गया, 0। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से ये कितना निकल करके आता है, माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस 1, माइनस 2, माइनस का 3, 0 ऐड करेंगे तो आपके पास वापस कितना होता है, माइनस का 3। LHS और RHS आपके पास कैसे आए, इक्वल आए। इसका मतलब इसने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ को भी कैसा किया, फॉलो किया। तो हमने दो लॉ लगा लिए, सम क्लोजर लगा लिया, एसोसिएटिव लगा लिया, इन दोनों चीज़ों को इसने फॉलो किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट पर हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस, यानी इनवर्स का अस्तित्व होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। एडिटिव है, प्लस का ऑपरेशन मेरे पास लग रहा है, तो हम बात करेंगे प्रतिलोम का नियम। तो आपको याद हो गए हमने क्या लिखा था उसके डेफिनेशन में, प्रतिलोम में हमने लिखा था ए स्टार, याद आया, ए में क्या क्या ऐड या क्या मल्टीप्लाई या कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए कि वापस कौन बन जाए, ए बन जाए। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ई, दोनों साइड से, ठीक है। तो ई स्टार भी किसके बराबर, ई, ई स्टार ए भी किसके बराबर, ए। तो अब देखिए इसको फॉलो करने के लिए मैं, मेरे को एक एलिमेंट चाहिए जेड का, मैं कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेती हूँ। जेड का मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया
लिया, एक एलिमेंट ले लिया मैंने वन, ठीक है। अब मैं ऑपरेट करवाती हूँ। अब देखिए ए स्टार ई, यानी ए की जगह मेरे पास है वन, स्टार स्टार के लिए मेरे पास कौन सा ऑपरेशन है प्लस, वापस लौट कर के कौन आना चाहिए वन, तो मैं वन में क्या ऐड करूंगी मेरे पास वापस वन आ जाए, ऑब्वियस जीरो ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, तो जैसे ही मैं वन में जीरो ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना बनता है वन, तो यहाँ पर मेरे पास प्लस के लिए एडिटिव, सॉरी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो तत्समक की बात कर रहे हैं, बोल तो मैं आइडेंटिटी रही हूँ, लिख मैंने प्रतिलोम दिया, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हुआ कि वन में मैं क्या ऐड करूंगी मेरे पास कितना आ जाए वन आ जाए, तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया जीरो ऐड किया, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास कितना आया ऐड के लिए मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया है जीरो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी दोनों साइड से मेरे पास ये क्या बनेगा वन बनेगा, यानी दोनों साइड से फॉलो कर रहा है तो मेरे पास दस तत्समक का भी अस्तित्व है, तो तीसरा लॉ भी इसने फॉलो किया। चौथे पर चलते हैं, चौथा हमारे पास इनवर्स, इनवर्स यानी प्रतिलोम के लिए बात करेंगे, तो प्रतिलोम के लिए हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे प्रतिलोम के लिए, जब आप देखेंगे तो आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन ये कह रही थी कि जब भी आप ए पर कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो उसमें ऐसी कोई चीज ऑपरेट करवाई जाए कि वापस आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट लौट करके आ जाए, ठीक है, दोनों साइड से, यानी यहाँ पर ऐसी कोई सी संख्या ऑपरेट करवाई जाए कि वापस आपके पास क्या लौट करके आए आइडेंटिटी एलिमेंट लौट के। अभी हमने देखा कि हम जेड संक्रिया के, जेड में प्लस संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, प्लस में अभी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला अपना जीरो, यानी अब हमें ऐसा मान निकालना है कि जो हमें यहाँ पर कौन दे क्या दे जीरो दे, यानी आंसर हमारे पास क्या बनना चाहिए जीरो बनना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम मान करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है कैसे बनता है। चलिए मैं कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेती हूँ, मैंने टू लिया, मैंने टू जैसे लिया तो टू जो है वो मेरा जेड का एलिमेंट है, इसमें मैं ऑपरेशन लगाती हूँ, तो टू ऑपरेशन लगाया मुझे प्लस, प्लस वापस मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, अभी मैंने जस्ट पीछे वाला पीछे से निकाला था आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास था जीरो, तो मैं क्या ऐड करूँगी उसमें कि मेरे पास जीरो आ जाए, तो ऑब्वियसली मैं क्या ऐड करूँगी माइनस का टू, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी दोनों साइड से करेंगे तो ये हमारे पास यही आएगा। अब देखिए बात यहाँ पर बनती है कि हमने कौन सा लिया है जेड लिया है इंटीजर्स लिए, अब यहाँ पर माइनस टू क्या इस जेड में इस सेट में है जी, माइनस का टू इस सेट में आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तब तो प्रतिलोम होगा, और मान लीजिए कि आपने कोई नेचुरल नंबर लिया है और उसका ऐसा इनवर्स निकल करके आ जाए जो सेट में विद्यमान ना हो एग्जिस्ट ना करे, तो आपके क्या होगा वो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा और वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर ये इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इनवर्स भी हमारे पास क्या है इसमें विद्यमान है। इनवर्स होने के बाद हमने चार लॉ लगा दिए अपने, उसके बाद पांचवे की तरफ जाते हैं, पांचवा हमारे कहता है क्रमलिंग, कम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या है इसमें आपने पढ़ा था, इसमें आपने पढ़ा था कि ए स्टार बी इक्वल होता है ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट लीजिए ए और बी के रूप में, जेड से कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, मैंने दो लिया और एक जीरो लिया, ठीक है। इन दो एलिमेंट्स में जब मैं ये लॉ लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा एडिटिव के लिए लगाना है, माइनस का दो प्लस जीरो और जीरो प्लस माइनस का दो, ठीक है। यहाँ स्टार की जगह मैंने अपनी संक्रिया लगाई है और यहाँ एलिमेंट की जगह मैंने अपना माइनस का दो लिखा है। अब देखिए माइनस दो प्लस जीरो यानी मेरे पास कितना बनता है माइनस का दो, प्लस माइनस माइनस यानी मेरे पास जीरो माइनस दो यानी वापस कितना निकल करके आता है माइनस का दो। LHS इसके इक्वल आया है, RHS के इक्वल आया है, इसका मतलब इसने क्या किया है क्रम एलिमेंट को भी क्या किया है फॉलो किया है, कम्यूटेटिव भी है, इसने पांचों नियम को संतुष्ट किया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जेड प्लस जो है वो हमारे एक अबेलियन ग्रुप कहलाता है। अब मैंने यहाँ पर प्लस ऑपरेट करवा के देखा था, आपको क्या करना है आपको इसमें मल्टीप्लाई या और कोई से
हल कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने z के लिए लिया था, आप नेचुरल नंबर, रियल नंबर, किसी के लिए भी निकाल करके हल कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स करते रहिएगा और अपने इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।